पावन त्यौहार पर अंधेरी पूर्व स्थित हंजर नगर सोसाइटी में तमाम मुस्लिम बंधुओं ने एक साथ मिलकर नमाज अदा की और इस भाईचारे के त्यौहार को मनाया। ईद के इस मौके पर हिंदू सिख ईसाई भाइयों ने मिलकर इस भाईचारे को बढ़ावा दिया और एक साथ मिलकर ईद मनाई। मेरा नाम हरबिंदर सिंह बेदी है। मैं एक MNC कंपनी में जनरल मैनेजर की हैसियत से काम करता हूँ और ईद के मौके पर यहाँ पर आया हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो मेरी जो बेटर हाफ है, मेरी वाइफ है, वो एक क्रिश्चियन है, कैथलिक है। तो हम खुद अपने एक फैमिली में, जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हमने एक मिसाल अपने घर से ही कायम की है कि भाईचारे की, कि अगर आप सिख हो और आप कैथलिक से शादी करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना धर्म बदलते हो, बट लेकिन ये है कि आप भाईचारे की एक मिसाल कायम करते हो। नाम माइकल डिसोजा है, मैं चर्च से आया हूँ। चर्च में हमारा एक अंतरधर्मीय सुसंवाद मतलब इंटरजस डायलॉग सेल हमारे चर्च में है, उसका मैं हेड हूँ। और यहाँ आपको ईद मुबारक देने के लिए, आपके साथ खुशी बांटने के लिए हम ये लोग यहाँ आए। हम चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में आज ये ईद उल फितर मनाई गई है। हम सब लोगों ने मिलकर 30 दिन इबादत की है, इसलिए हम दुआ करते हैं हम सब अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आलम के लिए कि अल्लाह ताला हम सबको खुशहाली दे और ख़ासकर पुरखसूस हंजर नगर के लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारकबाद। मस्जिद का खादिम हूँ मैं, 25-30 साल से मस्जिद का खिदमत कर रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि सब हमारे सिख और हमारे क्रिश्चियन भाई जो भी आए हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। सब एक होकर हमारा हिंदुस्तान एक है और हम सब मिलकर और साथ में ईद मना रहे हैं। प्रसिद्ध समाज सेवी माजिद सिद्दीकी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी जात धर्म के लोगों को बुलाया गया था और इस एकता के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का काम किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। समय नेशनल मुंबई। आज जो एक खुशी का जो अवसर पूरे हिंदुस्तान में एक साथ एक ही दिन मनाया जा रहा, और हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मदरसे इस्लामिया मस्जिद अहले सुन्नत और हंजर नगर कॉलोनी में हमारे बीच जो मेहमान आए हैं, हमारे माइकल साहब बाबू और अरविंदर सिंह साहब और हमारे बीच सिस्टर्स, ये एक संदेश हमको मिला और बहुत अच्छा लगा कि आज हम हर इलाके में जहाँ भी रहते हैं पहले इंसानियत को अहमियत दें और उसके बाद देश हमारा है, वतन परस्त बने, देश से मोहब्बत करने वाला बने। हर वो फर्द हमारा इस हिंदुस्तान में रहने वाला, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक है और उसका नारा भी एक ही है। और हम यही चाहेंगे कि मज़हब के नाम से ना बांटो, बांटना है तो किसी और को बांटो। इस देश में अमन और शांति पहले भी थी, आगे भी थी, आगे भी रहेगी और हमेशा रहेगी। यही मेरा संदेश हंजर नगर की जानिब से। बधाई देते हुए, सब आदमी ने एक ऐसा प्रेम से रहना चाहिए, इतना ही संदेश देगा।